आज की जर्नी की शुरुआत होने वाली है ट्रेन नंबर 2303 पूर्वा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि हावड़ा से न्यू दिल्ली की तरफ जा रही है। और आज हम इसे ऑनबोर्ड करने वाले हैं क्यूल जंक्शन से। और ये जो जर्नी होने वाली है ये जनरल क्लास में होने वाली है। आज हम देखने वाले हैं उस जनरल क्लास की कंडीशन। और इससे पहले मैंने आपको इसका मतलब थर्ड एसी का जर्नी भी दिखाया था। अभी देखते हैं इसके जो जनरल क्लास की हालत कैसी है। और हाँ, ये मिक्स जर्नी होगी स्लीपर और जनरल क्लास की, तो देखते हैं दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो यहाँ करीब 2:20 पे हमारी ट्रेन निकल चुकी है क्यूल जंक्शन से। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा मोकामा में होगा। और बात करें इस क्यूल जंक्शन के बारे में, तो इसका स्टेशन कोड है KIUL और ये दानापुर डिवीज़न का मेजर रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कोलकाता मेन लाइन पे, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है। जितनी भी सुपर फास्ट ट्रेनें होती हैं हर एक ट्रेन का स्टॉप इस क्यूल जंक्शन में होता है। बस एक हावड़ा दुरंतो है जो यहाँ पर स्टॉप नहीं होती है। और यहाँ पर टोटल आपको 6 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे। और जो स्टेशन का मतलब ओवरऑल लुक है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग ही है। इसका मतलब जो टिकट काउंटर है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे साइड में बनाया हुआ है। स्टेशन के बाहर अगर आप जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको फूड स्टॉल वगैरह मिल जाएंगे। इस जर्नी को करने का मतलब मेरा जो मेन रीज़न था वो यही था कि मैं आपको इसके जो जनरल क्लास का एक्सपीरियंस करा सकूं। बाकी मैंने थर्ड एसी की जर्नी की थी, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार जर्नी थी। तो इसके अलावा मैंने सोचा भी नहीं था कि इस ट्रेन में जर्नी करूँगा। बस मैं आपको इसके जनरल क्लास का एक्सपीरियंस कराने के लिए इस ट्रेन में ऑनबोर्ड हुआ। और फिलहाल अभी जो बारिश का मौसम है उसकी वजह से इस जर्नी में 4 चांद लगने वाले हैं। तो आप बस जर्नी में बने रहें और जर्नी को पूरा एंड तक देखें। और अभी तो मैं फ़िलहाल स्लीपर क्लास में हूँ, तो मतलब स्लीपर क्लास में पूरे तरह खचाखच भरे हुए हैं। और मतलब एक भी सीट आपको स्लीपर क्लास में खाली देखने को नहीं मिलेगी। और रही बात जनरल क्लास की, तो अभी तक मैंने जनरल क्लास को नहीं देखा है कि कैसी कंडीशन है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे हम जनरल क्लास में चले जाएँगे और देख उसके क्या हालात हैं, मतलब उसकी क्या कंडीशन है उसको भी देखेंगे और आपको भी दिखाएँगे डिजिटली। तो बस इस जर्नी को आगे एंजॉय करते रहो, आगे बहुत कुछ है देखने के लिए इसमें। तो अभी हम निकल चुके हैं मोकामा जंक्शन से और अभी मैं आ चुका हूँ जनरल कोच में। तो अभी बस आप इसके जो आपको मैं बता नहीं सकता कितना भरा हुआ है। तो फिलहाल यहाँ के किसी तरह मैं आपको काफ़ी ज़्यादा अंदर आ चुका हूँ, तो डोर व्यू भी मैं शायद ढंग से दिखा ना पाऊँ, लेकिन जैसा भी है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अब बात करें मोकामा जंक्शन के बारे में, तो इसका स्टेशन कोड MKA। और जो मोकामा स्टेशन लोकेटेड है वो मोकामा सिटी में है जो कि आती है बाड़ में। और मोकामा इम्पोर्टेंट स्टेशन इसलिए है क्योंकि ये कनेक्ट करता है असम को बिहार के साथ कनेक्ट करता है। और यहीं से मोकामा बरौनी लाइन क्रॉस होती है। और यहाँ पर टोटल आपको 4 प्लेटफॉर्म ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ भी आप देख लीजिए हमारे जो भाई लोग हैं वो किस तरीके से जर्नी करते हैं जनरल क्लास में, क्या हालत हो रखी है अभी। और इन्हें अभी दिल्ली तक जाना है, ऐसे जाएंगे वो। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। और अभी हम हैं बाड़ रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है BARH और ये दानापुर रेलवे डिवीज़न में आता है। और बाड़ जाना जाता है अपने सुपर थर्मल पावर स्टेशन की वजह से। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहीं पर झारखंड का जो कोयला है वो लाया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर एक सीट की बुकिंग की जा रही है फिर भी इतनी भीड़ हो जा रही है। मेन रीज़न ये है
कि जो स्लीपर क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं और जिनकी टिकट वेटिंग लिस्ट में रह जाती है, टीटी उन्हें क्या कर रहे हैं, उन्हें जनरल क्लास में भेज दे रहे हैं और स्लीपर में बैठने में नहीं दे रहे हैं। मतलब अगर आप डोर के पास भी बैठोगे तो वो कहेंगे कि आप जाइए पीछे जनरल क्लास में जाइए, इस वजह से आपको इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। तो मेरी एक सलाह है, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी ट्रैवल करें, नहीं तो अपना टिकट का रिफंड लें और दूसरी ट्रेन में मतलब ट्राई करें। अपने मतलब स्लीपर क्लास के किराए पे जनरल क्लास में खड़े होकर जाना दिल्ली तक कोई आसान बात नहीं है, और अपना पैसा पूरा देंगे, किराया भी पूरा दे रहे हैं, तो इन्हें स्लीपर में क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा है। तो ये हैं हम अभी बख्तियारपुर में, और यहीं से जो श्रमजीवी एक्सप्रेस है उसका रूट चेंज हो जाता है और वो चली जाती है राजगीर की तरफ में, इसीलिए इस स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। और यहाँ अभी हम स्किप कर रहे हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल को, और अभी आप सामने देख सकते हैं ये खड़ी हमारी पटना राजधानी एक्सप्रेस, जिसे बहुत ही जल्द तेजस की डिलीवरी में ही बदल दिया जाएगा, यानी कि बहुत जल्द इसको भी स्मार्ट तेजस के कोचेस मिल जाएंगे जिसमें फुली ऑटोमेटिक डोर लगे होंगे। और फर्स्ट जो तेजस राजधानी थी वो थी अगरतला राजधानी, अगर अभी तक आपने उसकी जर्नी नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और जब इसे तेजस की डिलीवरी में बदला जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको फर्स्ट रन में ही इसकी जर्नी दिखा सकूं। तो देखते हैं कब तक इसको बदला जाता है तेजस की डिलीवरी में, तब तक वेट करते हैं। और मेरे ख्याल से इसको 1 सितंबर यानी कि इसके बर्थडे वाले दिन ही तेजस की कोचेस दे दिए जाएंगे। तो यहाँ अभी हम निकल चुके हैं पटना से और भीड़ और ज़्यादा भर चुकी है, तो यहाँ से अब बाहर दिखाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और देखते हैं अभी आगे क्या होता है। निकाल के मेरा बैग अंदर में होटल हो गया। अरे का यार, का वीडियो बनाओ तन घस का यार, का हो जाए बना से हो का बने है पटना जंक्शन पर बना का करी है कहां ले जी है ले जाओ अरे से पहले रहे भले सिपाही बस ले ली अभी पे कर बहुत चलाता है। तो यहाँ भी हम निकल चुके हैं आरा जंक्शन से, जिसका स्टेशन कोड है ARA, और यहाँ पे एक नया काम शुरू किया गया है जहाँ पे आपको वॉशिंग पिट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे ट्रेनों की वॉशिंग वगैरह की जाती है, मतलब साफ सफाई वगैरह का काम किया जाता है। और जो आरा है ये पड़ता है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बिहार में है, हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मेजर रेलवे स्टेशन भी बन जाता है। और आरा जो है वो आपको मतलब सिटीज़ यानी बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ के साथ कनेक्ट करता है, जैसे पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, ये सारी काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ी बड़ी सिटीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। और इन जगहों पर जाने के लिए आपको आरा से बहुत ही आसानी से ट्रेनें मिल जाएंगी। और आरा में आपको एक और यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो हमारी पटना राजधानी है उस पर मधुबनी पेंटिंग की गई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, यानी कि बिहार के कल्चर को शो करती है। उसी तरह आरा रेलवे स्टेशन के जो वॉल्स हैं वहाँ पर भी ऐसी ही पेंटिंग्स की गई हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं देखने में। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इस साइड से आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन अगर बाई चांस मैं दोबारा इस साइड की जर्नी करता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़रूर दिखाऊँ।
अभी हम आ चुके हैं बक्सर में और जो हमारी जर्नी थी वो यहीं तक थी। तो आपको मैंने स्लीपर और जर्नल दोनों ही क्लास का एक्सपीरियंस कराया, हालांकि मैं आपको ढंग से नहीं दिखा पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था। स्लीपर में भी वैसे ही हालात थे तो रिकॉर्ड करने का मौका ही नहीं मिला, कभी कोई टीटी आ जा रहा है तो कभी कुछ हो जा रहा है, इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं। और अब मैं आपको इसके बाद दिखाने वाला हूँ अपने जो पहली वाली जर्नी यानी पूर्वा एक्सप्रेस की जर्नी, जो कि न्यू दिल्ली से मैंने हावड़ा तक की थी, नहीं आसनसोल तक की थी, उसके कुछ छोटा सा पार्ट। तो अभी आप उसे एंजॉय करने वाले हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये जो जर्नल क्लास और स्लीपर क्लास का जो कॉम्बो था वो कैसा लगा आपको। अच्छा लगा तो लाइक करें, और थोड़ा सा एफर्ट लगाया था तो इस एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बस सब्सक्राइब करें। लाल रंग का जो बटन दिख रहा है नीचे वो दब जाना चाहिए। और बस अब आप इस छोटे से व्यू को एंजॉय करो जो कि मैंने कुछ 6-7 महीने की जर्नी की थी, ये विंटर सीजन की जर्नी थी। यहाँ पे भी आप क्यूल के से लेके आसनसोल तक का जो व्यू है थोड़ा सा इस छोटे से पार्ट में एंजॉय करने वाले। बस अभी आप इस व्यू को एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से हिस्सा बन जाओ इस फैमिली का, जल्दी सब्सक्राइब कर दो बस।